विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं क्षेत्र विधायक ठाकुर मूलचंद चौहान के प्रयासों से सिहारा क्षेत्र पॉलिटेक्निक कॉलेज मिला। कॉलेज निर्माण के लिए राज्य मंत्री सहित सपा के तमाम नेता सिहारा के ग्राम जोथेमा पहुंचे और पूजा अर्चना कर कॉलेज का शिलान्यास कराया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज भूमि पर पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद इंजीनियर रश्वीर सिंह धोबी, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नईमुल हसन, सिहारा ब्लॉक प्रमुख ऋषिराम यादव, धामपुर ब्लॉक प्रमुख अकबर अली, नगर पालिका चेयरमैन धामपुर महमूद हसन कसार, शोएब असलम अंसारी, शैंकी रस्तोगी सहित भारी संख्या में सपा नेता मौजूद रहे। आज ये मौका है, खुशी का मौका है। ठाकुर मूलचंद चौहान जी ने जो एक ऐतिहासिक कदम यहाँ पर रखा, नील का पत्थर साबित किया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आने वाले चुनाव के अंदर जहाँ आपकी रिश्तेदारी हो, जहाँ आपका ताल्लुक हो, जहाँ आपकी दोस्ती हो, वहाँ जाकर के समाजवादी पार्टी की बात करना और माननीय मूलचंद चौहान जी को जिताने का काम एक बार फिर आपको करना है साथी। ये मैं आपसे कहने आता हूँ। और शिलान्यास के मौके पर यहाँ पर उपस्थित हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नौजवानों को पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ऊर्जा देने वाले हमारे वरिष्ठ साथी हाजी नईमुल हसन साहब, आप सिवारे जाते होंगे मुरादाबाद रोड पर, देखिए 2,35,00,000 रुपए हमने शमशान भूमि को देने का काम किया जो निर्माण कार्य चल रहा है। आप धामपुर जाते होंगे, धामपुर से रेडनोट जाते होंगे, आप देखिए जो शमशान भूमि है, ऐसा लगता है जब आप नेटोर से धामपुर से नेटोर गुजरते होंगे, बढ़िया के पास में धामपुर से 1 किलोमीटर निकलकर आप देखिए कितना अच्छा शमशान भूमि का वहां निर्माण कराया गया। राति नाग के बारे में सोचते हैं, क्या कभी सोचा था आप? हमारे परिवार का मुखिया जो हमारा पेट भरता है, उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती थी, उसके बारे में आज तक हिंदुस्तान में किसी ने नहीं सोचा। वो चला जाता था, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब पिछली बार सरकार बनी, अगर कई किसान की दुर्घटना में मृत्यु होती, सांप काट ले, खेत पर काम करते हुए उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके परिवार को पिछली सरकार में हमने 1 लाख दिया था। और जैसी सरकार बनी 2012 में, हमने दुर्घटना का 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया। साथ